तो नमस्कार मेरे दोस्तों, क्या हालचाल है सभी के। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपको एक बहुत तगड़ा माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए एक शेडर देने वाला हूँ, जिसकी ग्राफिक्स बहुत ज्यादा औसम है और लो से लो एंड डिवाइस में चल जाता है बिना किसी लैग के। और इस शेडर के दो वर्जन है, एक है लाइट वर्जन और एक है नॉर्मल वर्जन। अगर आप नॉर्मल वर्जन यूज करोगे तो आपके डिवाइस में मिनिमम 4GB रैम होनी चाहिए इसको यूज करने के लिए, वरना आपके डिवाइस में इसका नॉर्मल वर्जन थोड़ा सा लैग कर सकता है। और गाइस, अगर आपको 2GB रैम या फिर 3GB रैम वाला डिवाइस है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शेडर का एक लाइट वर्जन भी है जो कि आपके लो एंड डिवाइस में स्मूथली वर्क करेगा। और दोनों के दोनों शेडर्स बिल्कुल सेम है, कुछ ज्यादा दोनों में फर्क नहीं है, बस लाइट वर्जन वाले शेडर के टेक्सचर्स जो है वो लो एंड डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो गाइस, शेडर को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे ओपन करके फाइल को डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही आपकी फाइल डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको उसे ओपन कर लेना है जेड अचीवर से, और जेड अचीवर में उसको सिंगल टैप करके व्यू वाले एरो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपकी माइनक्राफ्ट ओपन होनी शुरू हो जाएगी, और माइनक्राफ्ट ओपन होने के बाद आपका इम्पोर्ट होना शुरू हो जाएगा और वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा। और जैसी गाइस आपका इम्पोर्ट सक्सेसफुल लिखा हो शो हो जाए, उसके बाद आपको फटाफट अपनी सेटिंग्स में चले जाना है और आपको नीचे स्क्रॉल करना है ग्लोबल रिसोर्सेज में, और वहाँ पे आपको एक पैक मिलेगा न्यूबी शेडर्स का, आपको इसे एनेबल या फिर एक्टिवेट कर लेना है। और गाइस, अगर आपको ग्लोइंग ऑर्ब्स वाली एड ऑन चाहिए तो वो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाली हुई, आप उसे चेक कर सकते हो। और शेडर एक्टिवेट करने के बाद आपको सिंपली सेटिंग्स में से बैक कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पे मेरा शेडर अप्लाई हो चुका है, सारे के सारे सर्वर्स और वर्ल्ड में अब वर्क करेगा। और इसके टेक्सचर्स वगैरह आपने स्टार्टिंग में वीडियो के देख लिए कि कैसा शेडर है ये। और गाइस, एक बार मैं आपको इसकी एक छोटी सी गेम प्ले की क्लिप दिखा दे दूँ कि इसकी ग्राफिक्स आपको कैसी देखने को मिलेंगी। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि शेडर आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रेगुलरली डालता रहता हूँ। और गाइस, अगर आपकी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन बहुत ज़्यादा लैग करती है तो गाइस आप इस बीच वाली वीडियो को क्लिक कर सकते हो और उसमें देख सकते हो कि आपको कैसे इस लैग को फिक्स करना है। उस वीडियो में मैंने कुछ स्टेप्स बताए जिन्हें फॉलो करने के बाद आपका लैग बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।